हाँ भाई, आज हम कुछ आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे। तो आप टॉपिक डाल सकते हैं सम स्पेशल आइडेंटिटीज, और पहली आइडेंटिटी जो उसमें से है वो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। वैसे आपने पहले भी पढ़ी होगी आइडेंटिटी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। गुड। दूसरी आइडेंटिटी यहाँ पे हमने लिखनी है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी क्या होती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी। और तीसरी आइडेंटिटी जो आज हमें पढ़नी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो क्या होती है? ए प्लस बी और ए माइनस बी स्क्वायर। एक्चुअली अभी जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं उसमें ये तीन आइडेंटिटीज लगेंगी, ठीक। ये तीनों आइडेंटिटीज को आप लिखेंगे, सबको पहले से भी आती होगी, सेवेंथ में भी पढ़ी होगी थोड़ी। अब क्वेश्चन करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर वन। श्योर फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट मतलब क्या? मल्टीप्लीकेशन। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको क्या निकालना है? इसके प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करनी है। जैसे पहले दिया है 3x plus 2y into 3x plus 2y, बेटा विद द सिटेबल आइडेंटिटी की हेल्प से इसको आपको फाइंड आउट करना है। आइडेंटिटी ही लगानी है। आप ऐसा ना करें कि 3x का 3x में सर मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो आपने सिंपली फिर मल्टीप्लाई कर दिया, आइडेंटिटी नहीं लगाई आपने। बच्चों a प्लस बी अपने मन में दो मिनट के लिए a मान लीजिए और इसे b मान लीजिए, 3x को a और 2y को b। a प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर, सही है? a प्लस, जैसे x इंटू x क्या होता है? x स्क्वायर। तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर इसके अकॉर्डिंग बोले तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर मतलब 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2ab, 3x इनटू 2y, समझ रहे? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। बेटा 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, 4y स्क्वायर और 2 3 जार 6, 6 2 जार 12x स्क्वायर। सबको समझ में आया? यहाँ पे फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया, पहले आप इसे नोट कर लें, फिर सेकंड पार्ट की तरफ चलेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है सेकंड पार्ट, 4x स्क्वायर प्लस 5 इनटू 4x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, वही सेम आइडेंटिटी, a प्लस बी, a प्लस बी लग रही है, कितना हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर का प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a और b, ठीक है बेटा। a की जगह ध्यान रखना पूरा 4x स्क्वायर लिखना, क्योंकि a है पूरा अपने आप में, 4 का स्क्वायर 16, 8 x टू द पावर 4, 8 नहीं आएगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, तानी, ठीक है, x टू द पावर 2 2 जार 4, 5 का स्क्वायर 25, और 2 4 जार 8, 8, 5, 40, 40x स्क्वायर, ये लीजिए, खत्म हो गया, सही है, नोट करिए। देखिए भाई थर्ड पार्ट क्या करें, 2a अपॉन 3 प्लस 3b अपॉन 4 का होल स्क्वायर। इसमें भी बेटा वही आइडेंटिटी ओपन होगी, a प्लस b का होल स्क्वायर 2 अपॉन 3a का स्क्वायर, और यहां से 3 अपॉन 4b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a की जगह कितना 2 अपॉन 3a और b की जगह कितना 3 अपॉन 4b, 2 का स्क्वायर अपॉन 9a स्क्वायर, सही है, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 16b स्क्वायर, 2 2 जार 4, 3 जार
12. आप चाहें तो एक 2 से इसे 2 टाइम्स कट भी कर सकते हैं, तो 12 नहीं आएगा. अब 2 3 जार 6, अच्छा 2 से ये वाला 2 भी कैंसिल हो गया, ठीक है. अपना 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो खाली क्या बचा? ए भी, और इसके अलावा कुछ नहीं बचा. नोट कर लीजिए, यहाँ पे ये आपका पार्ट खत्म हो गया. थर्ड, अब यहाँ पे ये दे रखा है फोर्थ पार्ट. क्या दिया है? 3x² माइनस 4y² इंटू 3x² माइनस 4y² बेटा. a माइनस b, a माइनस b क्या हो जाएगा? a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी कि 3x² माइनस 4y² का होल स्क्वायर. सही है, a और b मान ली. अब a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब 3x² का होल स्क्वायर यानी प्लस b स्क्वायर. ठीक है, नहीं आ रही का? तो 4y² का होल स्क्वायर माइनस 2ab. अंशिका माइनस 2, a की जगह 3x² और b की जगह 4y² 2ab, a की जगह ये, b की जगह 4y² बेटा. 3x² का स्क्वायर क्या होगा? 9x⁴ प्लस 16y⁴. 2 3 जार 6, 4 जार 24x² y स्क्वायर. सही है, नोट करिए. फोर्थ पार्ट, चलिए फिफ्थ पार्ट में आपको ये रखा है, आप भी देख पा रहे हैं. a माइनस b का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 ab. सही है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. बेटा 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 9 अपॉन 16 पी स्क्वायर, 5 अपॉन 6 का स्क्वायर 25 अपॉन क्यू स्क्वायर. बच्चों 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो ये 3 5 जार 15 और नीचे 6 2 जार 12. 3 से चलो 2 टाइम्स कर दो इसे, कोई बात नहीं. 3 से 2 टाइम्स हो गया, तो ऊपर 5 बचा और 2 2 जार 4, 5 अपॉन 4 पी क्यू. सही है, डन. नोट करिए, कर लिया.